कोरोना संकट के बीच रेलवे ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। पिछले दो साल के दौरान क्रिएट किए गए नए पदों की भी समीक्षा की जाएगी, साथ ही 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी गई है। रेलवे बोर्ड पिछले दो सालों के दौरान क्रिएट किए गए पदों का रिव्यू करेगा। अगर इन पदों के लिए अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं की गई है तो ऐसे में या तो पूरी वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी या फिर सुरक्षा संबंधी पदों को छोड़कर केवल 50% बहाल की जाएगी।